Hello students, in today's lecture number 4 on force and laws of motion for class 9, we shall discuss the term impulse. बच्चों अभी तक हमने first law of motion पढ़ लिया है, second law of motion भी पढ़ लिया है, momentum के बारे में भी जान लिया है. अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, जानते हैं पहले impulse. impulse को जान लेने के बाद फिर हम बात करेंगे Newton's third law of motion एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. देखिए इम्पल्स क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं. इम्पल्स इज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स. इट इज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स. लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, अभी मैं समझाऊंगा बेटा आपको. इट इज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स acting on an object, acting on an object for a very short period of time, for a very short period of time, जिसे आप क्या कह सकते हो, short duration भी कह सकते हो. short duration, short period of time को short duration भी कह सकते हो. तो क्या लिखा है मैंने, ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स. एक वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जब किसी ऑब्जेक्ट पर यदि बहुत ही कम समय के लिए एक बहुत ज्यादा अमाउंट का फोर्स लग जाए, तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो इम्पल्स कहलाएगा. क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा. सो इम्पल्स भी एक टाइप का फोर्स है, ध्यान रखिए. इम्पल्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स, बट इट इज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं इसका. मान लीजिए आप, ये फुटबॉल है, इस फुटबॉल को आप किक करते हैं, ठीक है. ये फुटबॉल है, ये क्या है बेटा, फुटबॉल है. जब फुटबॉल को आप किक करोगे, जब इसको किक करोगे, हिट करोगे, तो बहुत कम समय के लिए आप किक करोगे, है या नहीं, तुरंत हिट कर दोगे पैर से. जब पैर से जोर से हिट करोगे इसको, तो ये बॉल जो है आगे जाएगी, ये बॉल आगे जाएगी. तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने इस बॉल को क्या किया, बॉल पर आपने क्या लगाया, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया. फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपने बॉल पर क्या लगाया बेटा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया. तो ये फोर्स जो है क्या कहलाएगा, इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगा. जो फोर्स आप इस बॉल पर लगा रहे हो बेटा, ये इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगा. तो ध्यान रखिएगा, क्या एग्जांपल दे रहा हूं, व्हेन वी किक ए फुटबॉल, जब हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं. व्हेन वी किक ए फुटबॉल, व्हेन वी किक ए फुटबॉल, द किक जो किक है वो कितनी देर के लिए लगती है. The kick lasts only for a fraction of second, है या नहीं, सेकेंड के लिए ही तो किक करते हो आप. किक करना है पैर से, हिट करना है, किक करना मतलब हिट करना है, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. सेकेंड के कुछ हिस्से, इतना कम समय के लिए आप किक करते हो, है या नहीं, बहुत ही कम समय के लिए. लेकिन जो किक आपने किया वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट, यानी हैवी अमाउंट से फोर्स लगाया है आपने. तो यहां पर क्या हो रहा है, किक लगाने पर फुटबॉल में जब आप किक करते हो, तो आपने बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाया, लेकिन बहुत कम समय के लिए लगाया. तो जो फोर्स ये लग रहा है इस फुटबॉल पर, ये क्या कहलाएगा, इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगा. द फोर्स विच वी अप्लाई, the force which we apply on a football, ठीक है, is an example of किसका example है, impulsive force का example है. यानी football पर जो आपने पैर से kick किया football को, तो कौन सा force लगाया, impulsive force लगाया. जैसे आपने हाथ में एक ball ली बेटा, और दीवाल पर मारी, तो बॉल क्या हुआ, दीवाल से हिट करेगा. कितनी देर के लिए हिट करेगा, कुछ ही सेकंड के लिए, दीवाल को टच करके और वापस आ जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा.
तो वहां भी दीवार पर जो बॉल ने फोर्स लगाया वो क्या लगाया, इम्पल्सिव फोर्स लगाया है या नहीं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इम्पल्स के। तो ध्यान रखिएगा कि जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर लेकिन बहुत कम समय के लिए लगाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इम्पल्स को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका हम फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। देखिए इम्पल्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आप जानते हो एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप क्या लिखते हो बेटा, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसे यार लिखा जाता है ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, एम इंटू ए की जगह वी माइनस यू अपॉन टी, और इसको मैं लिख देता हूं एफ इंटू टी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये एम वी माइनस यू आ जाएगा। अब देखिए इसका यदि मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो इधर आ जाएगा एम बी माइनस एम यू, और इधर आ गया ये एफ टी। अब बताइए ये एम बी क्या है, एम बी क्या है? मान लीजिए ये जो बॉल थी, ये मान लीजिए बॉल है, इसी फुटबॉल को ले लेते हैं, इस फुटबॉल का मास एम है, ठीक है, इस फुटबॉल का मास एम है, और जब ये फुटबॉल आपके पास आई तो जिस स्पीड से आपके पास आई थी या आपके सामने रखी हुई है तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में जब स्पीड जीरो होगा तो वो इनिशियल स्पीड कहलाएगी, लेकिन जैसे ही आपने किक किया तो ये मोशन में आ जाएगी, तो ये फाइनल वेलोसिटी से आगे जाएगी। तो वी क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एम क्या है? मास। तो एम इंटू वी क्या हुआ? आप जानते हो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, लेकिन ये वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो एम इंटू वी क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम। क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल मोमेंटम। और माइनस एम इंटू यू क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। कैसे कह सकते हो? क्योंकि यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये इनिशियल मोमेंटम कहलाएगा। जब फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसे हम क्या कहेंगे? चेंज इन मोमेंटम। क्या कहेंगे? चेंज इन मोमेंटम। यानी जब भी आप इम्पल्सिव फोर्स लगाते हो तो किस में चेंज आता है? मोमेंटम में चेंज आता है, और ये मोमेंटम में चेंज किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है, और यही फोर्स इंटू टाइम इसी को ही हम कहते हैं इम्पल्स। यही फोर्स इंटू टाइम क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। या फिर लिख सकते हो आई इज इक्वल टू क्या? एम वी माइनस यू, ये भी तो लिख सकते हो एम वी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का फॉर्मूला या तो एफ टी लिखो या फिर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट की यदि मैं बात करूं तो इम्पल्स का यूनिट क्या हो जाएगा? यदि यहां से देखें इस फॉर्मूले से, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड, तो न्यूटन सेकंड लिख सकते हो। लेकिन यदि इस फॉर्मूले से देखें तो इम्पल्स का यूनिट क्या आ जाएगा? इस फॉर्मूले से इम्पल्स का यूनिट क्या आ जाएगा बेटा? इस फॉर्मूले से देखिए, ये चेंज इन मोमेंटम है, और मोमेंटम का क्या होगा? किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, या तो यूनिट लिखिए न्यूटन पर सेकेंड या फिर लिखिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स का फॉर्मूला तो देखो ये आ गया, ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये आ गया इम्पल्स का, और एक फॉर्मूला हमने ये निकाल दिया इम्पल्स का। और यूनिट की बात करें तो ये यूनिट हो गई न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन इंटू सेकेंड, या फिर लिखोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, कोई भी यूनिट लिख सकते हो आप। ये इम्पल्स का यूनिट हो गया। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स होता है, ठीक है। और यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी? देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या कह रहा है? फोर्स इंटू टाइम, तो टाइम तो स्केलर है लेकिन फोर्स कैसा है? वेक्टर है, इसलिए इम्पल्स क्या आ जाएगा? वेक्टर आएगा, क्योंकि वेक्टर इनटू स्केलर किसके बराबर आता है? वेक्टर के बराबर। तो इम्पल्स क्या आ गया? एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो इम्पल्स का मतलब है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है
तो उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। यानी इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम, ऐसे भी कह सकते हो। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। और इसको एफ इंटू टी भी लिख सकते हो या एम बी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी इस इम्पल्स को लिखा जा सकता है। चलिए ये बात हुई इम्पल्स की। अब देखिए हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप सब जानते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। क्या होता है ये? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहते हैं इसे। न्यूटन्स के थर्ड लॉ में न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक एक्शन के लिए उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, प्रत्येक एक्शन के लिए उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। लेकिन अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, किसके एग्जाम्पल ले लें, न्यूटन्स थर्ड लॉ के। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, वेन वन ऑब्जेक्ट एग्जर्ट, मतलब अप्लाई करना, ठीक है, वेन वन ऑब्जेक्ट एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इमीजिएटली यानी तुरंत, सेकेंड ऑब्जेक्ट इमीजिएटली एग्जर्ट्स ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है देखिए समझिए। इसको यदि हमें समझना है तो देखिए, मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये एक बॉल ए है, ऑब्जेक्ट ए मान लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट बी है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, कुछ समय के बाद ये आपस में टकराए, ठीक है, कुछ समय के बाद ये इनमें क्या हुई, कॉलिजन हुई, ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लीजिए ये बी ए वेलोसिटी से जा रहा है और ये वी वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये आपस में टकराए, तो जब इनमें टक्कर होगी, टक्कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एट द टाइम ऑफ, टक्कर को क्या कहते हैं, कॉलिजन, इम्पैक्ट, क्या कह सकते हैं, इम्पैक्ट या कॉलिजन, ठीक है, जब इनमें टक्कर होगी तो जितना फोर्स, जब ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा, तो इमीजिएटली जैसे ही ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा तुरंत बी ऑब्जेक्ट ए पर भी फोर्स लगा देगा, कितना, एफ वी ए, ठीक है, कितना लगा देगा बेटा, एफ वी ए, जितना फोर्स ऑब्जेक्ट ए ने बी पर लगाया, कितना फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट ए ने बी पर, एफ ए बी लगाया, एफ ए बी, ये फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट ए ने बी पर, तो बी ने भी ए पर फोर्स लगा दिया, बी ने भी ए पर फोर्स लगा दिया, कितना, एफ वी ए लगा दिया, ये एफ बी ए है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये एफ वी ए है, तो जितना ऑब्जेक्ट ए के द्वारा बी पर फोर्स लगाया, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाता है तुरंत ऑब्जेक्ट बी भी ए पर फोर्स लगा देता है, यही लिखा हुआ है, वेन वन ऑब्जेक्ट एग्जर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट इमीजिएटली एग्जर्ट ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जब ये पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो इमीजिएटली दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है, जब भी ऐसा होगा ना बेटा, जब भी ऐसा होगा तो देखिए ये जो दोनों फोर्स हैं सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहे हैं, ये जो दो फोर्स हैं एफ ए बी और एफ बी ए, ठीक है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स पर नहीं लगते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यहां पर जो हमने लिखा है ना कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इमीजिएटली पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, एंड दीज टू फोर्सेज आर
इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल होते हैं किसमें, मैग्नीट्यूड में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो फोर्स हैं ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। बेटा देखिए जरा, ए ने बी पर फोर्स लगाया, ठीक है, इसको दोबारा से यहां समझ लेते हैं। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है, जब ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा, बी पर कितना फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट ए बी पर, एफ ए बी लगा रहा है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा तुरंत बी ए पर फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट बी ए पर फोर्स लगाएगा कितना, एफ वी ए, और जो कि देखिए एफ ए बी और एफ वी ए इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, जितना फोर्स ए ने बी पर लगाया सेम फोर्स बी ए पर लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसके अलावा एक बात और यहां पर निकल के आ रही है कि ये जो दोनों फोर्स हैं एफ ए बी और एफ वी ए, ये दोनों फोर्स कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पर नहीं लगते हैं। देखिए एफ ए बी ए के द्वारा बी पर लग रहा है, एफ ए बी जो फोर्स है वो बी पर लग रहा है, लेकिन एफ वी ए किस पर लग रहा है, ए पर लग रहा है, तो हमेशा ये दोनों फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगेंगे, ध्यान रखना। इस बात को भी हम आगे लिख लेते हैं, तो इट इज ऑल्सो क्लियर, आगे लिख लेते हैं इस बात को, क्या लिख लेते हैं, दीज फोर्सेस, क्या अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, दीज टू फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर, ठीक है, एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट्स, कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगते, सेम ऑब्जेक्ट्स पर नहीं लगते, एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगेंगे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगेंगे, ठीक है। जैसे कि फुटबॉल का गेम आप खेलते हो, दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, एग्जाम्पल टू की बात करते हैं, एग्जाम्पल टू में मान लीजिए फुटबॉल का आप गेम खेलते हो, ये फुटबॉल का ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक है, ये फुटबॉल ग्राउंड है बेटा, क्या है ये, फुटबॉल ग्राउंड है, दूसरा एग्जाम्पल में ले रहा हूं, फुटबॉल ग्राउंड है बेटा, ठीक है। तो फुटबॉल के गेम में जब आप फुटबॉल देखते हैं तो देखिए ये फुटबॉल है, मान लीजिए ये फुटबॉल है, इस तरफ एक टीम है और इस तरफ बी टीम है, मान लीजिए ए टीम है और ये बी टीम है, ये टीम ए है और ये टीम बी है, ये टीम बी का गोल हो गया, ठीक है, और ये टीम ए का गोल हो गया, समझ गए। अब यहां पर फुटबॉल है तो टीम ए का जो गोलकीपर है उसने, मान लीजिए इस गोलकीपर ने इस फुटबॉल को हिट किया, तो ये फुटबॉल जो है इस तरफ चली गई, मान लीजिए इस तरफ चली गई और यहां पर ये फुटबॉल आ गई और यहां पर ये जो दूसरी टीम का खिलाड़ी है फिर ये इसको इधर हिट करना चाहेगा। तो देखिए जब इस टीम ए के खिलाड़ी ने इसको हिट किया तो बेटा इसने कुछ फोर्स लगाया होगा, इस टीम ए के खिलाड़ी के द्वारा फुटबॉल पर फोर्स लगाया, तो उतना ही फोर्स फुटबॉल ने टीम ए के खिलाड़ी के पैर पर लगाया होगा, है या नहीं भाई। टीम ए का जो ये खिलाड़ी है बेटा, ये जो खिलाड़ी है, प्लेयर है टीम ए का, फुटबॉल प्लेयर, इसने अपने पैर से इस फुटबॉल को हिट किया, तो फुटबॉल को जब हिट किया तो जितना फोर्स इसने अपने पैर से फुटबॉल पर लगाया, फुटबॉल ने भी तो उतना ही फोर्स इसके पैर पर लगाया होगा। अब ये फुटबॉल जैसे ही हिट किया ये दूसरी तरफ जाएगी, मान लीजिए इधर टीम बी का एक खिलाड़ी मौजूद है, तो टीम बी का खिलाड़ी क्या करेगा, इसको दोबारा हिट करेगा और इसको टीम ए की तरफ भेजेगा, क्योंकि टीम बी का खिलाड़ी तो चाहता है कि ये बॉल यहां पहुंचे इस गोल में और टीम ए का खिलाड़ी चाहता है कि ये बॉल यहां पर पहुंचे। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, टीम ए का खिलाड़ी जो है फुटबॉल को इस तरफ हिट करेगा और टीम बी का खिलाड़ी इस तरफ हिट करेगा, तो टीम बी का जो खिलाड़ी है फिर इसको हिट करेगा तो अपने पैर से इसको हिट करेगा, तो पैर से जितना फोर्स टीम बी के खिलाड़ी ने इस पर लगाया, टीम बी के खिलाड़ी ने जितना फोर्स लगाया किस पर, इस फुटबॉल पर, पहले तो देखिए ये फुटबॉल किसी स्पीड से आ रही होगी, तो टीम बी के खिलाड़ी ने इसको रोका भी होगा, तो जिस फोर्स के साथ इसको रोका उतना ही फोर्स तो फुटबॉल ने टीम बी के खिलाड़ी के पैर पर लगाया होगा, ठीक है। अब वापस टीम बी का खिलाड़ी इसको किक करता है, तो टीम बी का खिलाड़ी जिस फोर्स के साथ इस फुटबॉल को किक करेगा उतना ही फोर्स ये फुटबॉल टीम बी के खिलाड़ी के पैर पर लगाएगा,
है या नहीं। तो एक गेम जो होता है फुटबॉल का, उस गेम में जब आप फुटबॉल को किक करने की कोशिश करते हो एक ग्रेटर फोर्स के साथ, ठीक है, तो वो जो फुटबॉल है, ये फुटबॉल किक की इस टीम ए के खिलाड़ी ने, तो दूसरे टीम बी का जो खिलाड़ी है उसको जाकर के इसने हिट किया, टीम बी के खिलाड़ी को इसने क्या किया, हिट किया। तो ये अपोजिट टीम का यानी टीम बी का जो खिलाड़ी है, ठीक है, इसने क्या किया, हर्ट फील किया, यानी इसको चोट लगी होगी कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है, दर्द होता है ना पैर में जब हम फुटबॉल को रोकेंगे, तेजी से आती हुई फुटबॉल को रोको तो कुछ हर्ट फील होता है या नहीं होता है, चोट फील होती है, ठीक है, दर्द महसूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक फुटबॉल पर कोई व्यक्ति फोर्स लगाता है, जितना फोर्स फुटबॉल पर लगाया, अब ये जो टीम बी का खिलाड़ी है इसने ये फुटबॉल को पहले रोकेगा, तो जब ये रोकेगा स्टॉप करेगा तो इस फुटबॉल पर फोर्स लगाएगा, तो जितना फोर्स इस टीम बी के खिलाड़ी ने फुटबॉल पर लगाया उतना ही फोर्स ये फुटबॉल जो है टीम बी के खिलाड़ी पर लगाएगा, ये उसी फोर्स के कारण ये टीम बी का खिलाड़ी जो है हर्ट फील करेगा, ठीक है, क्या चोट महसूस करेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया बेटा। तो जितना फोर्स फुटबॉल ने लगाया, फोर्स फोर्स हम लिख सकते हैं, फोर्स एग्जर्टेड बाय फुटबॉल फुटबॉल ऑन प्लेयर, फुटबॉल ऑन प्लेयर इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड एग्जर्टेड बाय प्लेयर प्लेयर ऑन फुटबॉल। तो जितना फोर्स फुटबॉल ने प्लेयर पर लगाया बेटा उतना ही फोर्स तो प्लेयर फुटबॉल पर लगाएगा, ये यहां पर क्लियर हो रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, एक स्प्रिंग वैलेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल थ्री में हम स्प्रिंग वैलेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, स्प्रिंग वैलेंस, दो स्प्रिंग वैलेंस ले लो, ठीक है, दो स्प्रिंग वैलेंस ले लो। चलो स्प्रिंग वैलेंस में आपको दिखा देता हूं, बुक वाला एग्जाम्पल ही मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये देखिए स्प्रिंग वैलेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्प्रिंग वैलेंस है बेटा। अब इस स्प्रिंग वैलेंस में ये जो दो स्प्रिंग वैलेंस यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बी है स्प्रिंग वैलेंस और ये स्प्रिंग वैलेंस ए है। अब देखिए इन दोनों स्प्रिंग वैलेंस के हुक को आपस में अटैच कर दिया, और जो स्प्रिंग वैलेंस बी है उसको एक दीवार के एक किसी जगह कील से क्लैंप कर दिया, यानी स्प्रिंग बैलेंस बी का एक सिरा दीवार पर फिक्स कर दिया और जो दूसरा सिरा है स्प्रिंग बैलेंस बी का वो स्प्रिंग बैलेंस ए से जोड़ दिया, और स्प्रिंग बैलेंस का दूसरा सिरा देखो ये व्यक्ति के हाथ में है। जब कोई व्यक्ति इस स्प्रिंग बैलेंस के इस सिरे को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ जब फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो आप देखिए कि इस स्प्रिंग बैलेंस में ये बना हुआ है स्केल, इसमें भी ये बना हुआ है स्केल, ठीक है। तो इसमें रीडिंग्स देखिए, देखिए कितनी आ गई, ये जो पूरा डार्कंड है पोर्शन 1 2 3 4 आ गई है, कितनी आ गई, 4 आ गई। यहां भी रीडिंग कितनी है, 1 2 3 4 है या नहीं। तो ये जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की ये किसको बता रही है, फोर्स की अमाउंट को बता रही है। तो यहां पर फोर्स कितना आ गया, मान लीजिए 4 न्यूटन है, तो यहां भी फोर्स कितना हुआ, 4 न्यूटन हुआ। हालांकि इसको 4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तब जाकर के हम उसको फोर्स कहेंगे। तो अभी तो आप जस्ट इतना जानिए कि इसमें रीडिंग कितनी आ रही है, 4, तो इसमें भी रीडिंग कितनी आ रही है, 4, यानी जितना फोर्स स्प्रिंग वैलेंस ए बी पर लगा रहा है उतना ही फोर्स बी ए पर लगा रहा है या नहीं। जितना फोर्स स्प्रिंग वैलेंस ए ने बी पर लगाया उतना ही फोर्स स्प्रिंग वैलेंस बी ने ए पर लगाया। तो फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग वैलेंस ए ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग वैलेंस बी ऑन ए, और लेकिन यहाँ नेगेटिव भी आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा। क्यों आएगा, कि बी जो ए पर फोर्स लगा रहा है बेटा, बी जो ए पर फोर्स लगा रहा है वो ऐसे लगा रहा है, और ए जो बी पर फोर्स लगा रहा है वो ऐसे लगा रहा है। तो दोनों फोर्स देखिए बराबर तो आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, लेकिन ये जो ये क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। ये डायरेक्ट देखिए वेक्टर क्वांटिटी होता है फोर्स, तो मैंने यहां पर नेगेटिव लिखा है तो देखो डायरेक्शन के साथ लिखा है, लेकिन जब आप इनका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, एफ ए बी वेक्टर, ठीक है, एफ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। ऐसे ही एफ वी ए वेक्टर ये माइनस साइन के साथ है और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड तो बराबर आ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ वी ए,
यानी मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनमें से एक फोर्स तो कहलाएगा एक्शन और दूसरा फोर्स कहलाएगा रिएक्शन। मान लीजिए बी के द्वारा ए पर जो आपने फोर्स लगाया, बी के द्वारा ए पर जो फोर्स लगाया उसे आप एक्शन कह देते हैं, इसको बी के द्वारा ए पर जो फोर्स लगाया उसको एक्शन बोल दीजिए, और ए के द्वारा बी पर जो फोर्स लगा होगा वो फिर क्या होगा, रिएक्शन। यदि आप इसको एक्शन कहते हैं तो ये रिएक्शन हो जाएगा, और इसको यदि एक्शन कहते हैं तो ये रिएक्शन हो जाएगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये पता लग रहा है ना कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ये आपको लिखना है, ठीक है, ये डायग्राम बनाना है स्प्रिंग वैलेंस का और ये आपको लिखना है। तो क्या निकल के आया स्प्रिंग वैलेंस में, स्प्रिंग वैलेंस में जो कंक्लूजन निकल के आया है, क्या निकल के आया बेटा स्प्रिंग वैलेंस में कंक्लूजन, के फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन ये निकल के आया, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग ए के द्वारा स्प्रिंग वी पर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में बराबर है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग वी ऑन ए, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ये तो हो गया डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो बराबर आ जाएगा, यानी दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, तो एफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बी ए। तो ये बता रहा है आपको कि मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये माइनस साइन बता रहा है कि डायरेक्शन में अपोजिट है। तो एक स्प्रिंग के द्वारा दूसरे स्प्रिंग पर एक्शन लग रहा है तो दूसरा स्प्रिंग पहले स्प्रिंग पर क्या लगाएगा बेटा, रिएक्शन लगाएगा, ठीक है। आपने देखा, आप कैसे कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड हमने बराबर क्यों कहा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग में जो रीडिंग आ रही है वो सेम आ रही है, इसलिए मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के जरिए ही आपको क्लियर होगा, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, ठीक है। इस वाले स्प्रिंग वैलेंस में मैंने जो डायग्राम बनाया दिखाया आपको वो बनाना है और ये सब लिखना है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप पैदल चल रहे हो, पैदल चल रहे हो बेटा, ये व्यक्ति है पैदल चल रहा है रोड पर, ये रोड है, रोड पर पैदल चल रहे हो, ठीक है, ये रोड है बेटा, ठीक है। रोड पर आप पैदल चलते हो तो कैसे चलते हो, एक पैर आगे रहता है आपका, एक पैर आगे रहता है और एक पैर पीछे रहता है। तो जब आप एक पैर को पीछे ले जाते हो, ये जो पैर है ये पीछे वाला पैर, जब आप पीछे ऐसे जमीन पर फोर्स लगाते हो ना, नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो इस पैर से, ठीक है। कितना फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिए ये आपका फुट नंबर वन है, ये फुट नंबर टू है, तो मान लीजिए टू के द्वारा फोर्स लगाया आपने इतना, ठीक है, टू के द्वारा वन पर, या वन के द्वारा टू पर जो फोर्स लग रहा है, या अभी टू वन मत करो, चलो कोई बात नहीं, इस पैर के द्वारा, पिछले वाला जो पैर है इसके द्वारा बैकवर्ड फोर्स लगाया आपने, क्या लगाया, बैकवर्ड फोर्स लिख दो इसको, बैकवर्ड फोर्स लगाया आपने। तो बैकवर्ड फोर्स लगाया तो तुरंत क्या होगा, इस बैकवर्ड फोर्स का, ये बैकवर्ड जो फोर्स है बेटा, ये तो हुआ रिएक्शन, क्या हुआ, रिएक्शन, ठीक है। और इसका एक्शन क्या हुआ, इसका एक्शन हुआ फॉरवर्ड फोर्स, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स, हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये जो फॉरवर्ड फोर्स है ये हो जाएगा एक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्शन। एक्शन क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ना, और रिएक्शन क्या था, हम पैर को जब पीछे ले जाते हैं तो वो रिएक्शन, या फिर इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो, किसी को भी एक्शन और किसी को रिएक्शन आप कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में ये आना चाहिए कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम पैदल चलते हैं तो एक पिछला वाला जो देखिए, एक पैर को हम पीछे ले जाते हैं, जब एक पैर को पीछे ले जाते हैं तो वो हो गया मान लीजिए एक्शन, मान लेते हैं एक्शन है वो, तो रिएक्शन क्या होगा, आपका आगे बढ़ना, आप जो आगे बढ़ जाते हो एक पैर को पीछे ले जाने पर, तो वो क्या हो गया, आपका एक्शन हो गया। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन यहां भी आ रहा है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन आ रहा है यहां भी, लेकिन एक्शन और रिएक्शन बराबर आ रहे हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट आ रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन, लेकिन नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इनका, बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड इनका क्या आ जाएगा बेटा, बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन,
यानी जितना आपने बैकवर्ड फोर्स लगाया उतना ही तो फॉरवर्ड फोर्स होगा, यानी जितना तेजी से आप पीछे की तरफ पैर रखोगे उतना ही तेजी से आप आगे जाओगे। ठीक है, तो ये की ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं गन का। गन से, बंदूक से जब गोली निकलती है तो आपने देखा होगा रिकॉयल ऑफ गन। ठीक है, रिकॉयल ऑफ गन इसको कहते हैं, रिकॉयल मतलब पीछे जाना, रिकॉयल मतलब पीछे जाना, रिकॉयल ऑफ गन। ठीक है, तो देखिए गन का एक फोटोग्राफ एनसीईआरटी से देख लेते हैं। ये गन है बेटा, ठीक है, ये गन है। अब इस गन में देखिए आप क्या करते हैं, ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है, इस ट्रिगर को जब दबाओगे तो बुलेट आगे जाएगा। ये बुलेट आगे जा रहा है ना, ये बुलेट कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो जब ये बुलेट आगे जाता है तो ये बंदूक कहाँ जाती है, ये गन कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। तो जिस फोर्स से पीछे की तरफ बंदूक जाती है उसे कहते हैं रिकॉयल फोर्स ऑन द गन। ध्यान रखिएगा इस बात को, इस न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, ये देखिए ये गन है, गन के जब ट्रिगर को दबाते हो तो जो बुलेट है वो तो इस तरफ जाती है। तो ये तो हो गया फोर्स ऑन द बुलेट, एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, और इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बंदूक बंदूक पीछे की तरफ आती है ना, इसलिए तो उसको थोड़ा सा टाइटली पकड़ना होता है। बंदूक जो पीछे की तरफ आ रही है उसे हम कहते हैं रिकॉयल फोर्स ऑन द गन, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉयल फोर्स ऑन द गन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस ये रिकॉयल फोर्स हमें कई बार कैलकुलेट करना होता है, या रिकॉयल स्पीड भी पूछ लेता है वो कई बार। तो ध्यान रखिएगा रिकॉयल का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी पीछे की तरफ किस स्पीड से मूव कर रहा है बंदूक। तो यहां पर देखिए ये एक्शन हुआ, क्या हुआ, ये एक्शन हुआ, क्या एक्शन हुआ, बुलेट का आगे की तरफ जाना, और इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, बंदूक का पीछे की तरफ आना। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन आ रहा है ना यहां भी, लेकिन दोनों एक्शन और रिएक्शन दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, कि भाई जितना जितना स्पीड से ये बंदूक की गोली जो है आगे जाएगी उतना ही स्पीड से ये जो बंदूक है वो पीछे की तरफ आएगी। इसलिए आपको कस करके पकड़ना पड़ता है, हर कोई बंदूक नहीं चला सकता। ठीक है, तो जितना स्पीड से ये आगे जाएगी वो हो गया एक्शन, और इसका बंदूक का पीछे की तरफ आना ये हो गया रिएक्शन। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन है यहां भी, लेकिन दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, एक फॉरवर्ड जा रहा है तो एक बैकवर्ड जा रहा है। तो यहां भी एक्शन का फोर्स, फोर्स ऑफ एक्शन किसके बराबर आ गया, रिएक्शन के बराबर आ गया, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यहां भी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव क्या बता रहा है, कि अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव तो बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। यदि मैं इसको बिना वेक्टर के लिखूं तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये बिना वेक्टर के लिखा, ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, ये वेक्टर नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और भी देखिए एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है बोट वाला। ठीक है, ये बोट वाला है भाई, आप नाव का आनंद लेके आए, बोटिंग करके आए कहीं किसी झील में, लेक में। जब झील में आप बोटिंग करने के बाद वापस उतरते हो किनारे पर, किनारे पर उतर रहे हो आप मान लीजिए, तो आप कैसे उतरते हो, एक पैर आपका आगे रहता है एक पीछे, तो पीछे वाले पैर से पीछे की तरफ फोर्स लगता है तो बोट पीछे की तरफ चले जाती है। तो तुरंत आपको अपना पैर जो है आगे की तरफ फोर्स लगेगा, आगे आपकी जो शरीर है वो आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस पैर से आप पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो इस पैर, ये पैर कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो देखिए ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन, यानी बैकवर्ड जो फोर्स लगा रहे हो गया एक्शन, और आपका आगे बढ़ना ये क्या हो गया, रिएक्शन। तो यहां भी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन है, जितना स्पीड से ये बोट पीछे जा रही है उतना ही स्पीड से आप आगे आओगे, और डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। तो ध्यान रखिए जब भी हम बोट से उतरते हैं, जब भी नाव से उतरते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि कहीं पानी में गिर जाएं। तो आप जैसे ही उतर रहे हो तो ऐसे मत सोचना कि थोड़ा रुक जाते हैं, तो जैसे ही आपने एक पैर बोट में रखा और एक पैर आगे किया, तुरंत आपको आगे बढ़ना है, यानी क्योंकि बोट पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हालांकि बोट जो है रस्सी से बंधी हुई होती है, ठीक है, इसलिए वो पीछे की तरफ नहीं जा पाएगी, लेकिन जैसे ही आप बोट से उतरते हो तो एक पैर से बोट पर फोर्स लगा रहे हो, ये देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो इस बैकवर्ड फोर्स के कारण, इस एक्शन के कारण ये रिएक्शन हो रहा है, देखो। ठीक है, तो ये एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन है मैग्नीट्यूड में, लेकिन दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए इस एक्टिविटी में,
इस एक्टिविटी में देखिए क्या है, दो चिल्ड्रन, ठीक है, रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन टू सेपरेट कार्ड्स एज शोन। ये पहिए लगी हुई एक कार्डबोर्ड है, ये लकड़ी का बोर्ड है और नीचे पहिए लगे हुए हैं, दो चिल्ड्रन इस पर खड़े हुए हैं, दो बच्चे खड़े हुए हैं, एक बच्चे के हाथ में एक वजन है, सैंड भरा हुआ एक बैग है, ठीक है, गिव देम ए बैग फुल ऑफ सैंड, गिव देम ए बैग फुल ऑफ सैंड एंड सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स। कोई सैंड से भरा हुआ या कुछ और हैवी ऑब्जेक्ट से भरा हुआ एक बैग एक बच्चे के पास है, तो एक बच्चा इस बैग को दूसरे बच्चे को दे रहा है, तो देखिए क्या होगा, जब ये बच्चा इस बैग को इस बच्चे को देगा तो देखिए इसकी जो ये कार्ट है ये पीछे की तरफ चले जाएगी, ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ना, क्योंकि जब ये आगे की तरफ झुकेगा बैग को देने के लिए, ये जो लड़का है ये आगे की तरफ झुकेगा, ठीक है, और लड़की भी आगे की तरफ झुकेगी, तो जब ये लड़की इस तरफ झुकेगी तो इसकी कार्ट इस तरफ जाएगी, और ये लड़का आगे की तरफ झुकेगा तो ये इसकी कार्ट इस तरफ जाएगी, तो ये जो आगे झुक रहा है, देखिए ये जो आगे झुक रहा है ये तो हो गया एक्शन, ठीक है, और ये हो गया रिएक्शन। ऐसे ही इस लड़की के द्वारा आगे की तरफ झुकना हो गया एक्शन, और इसकी कार्ट का पीछे जाना ये हो गया रिएक्शन, है या नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक्शन इज इक्वल टू क्या है, रिएक्शन। देखिए इस बच्चे का आगे की तरफ झुकना, आगे की तरफ जो झुकना है ये तो है एक्शन, ये क्या है एक्शन, ठीक है, इस लड़के के लिए बात कर रहा हूं, और इसकी कार्ट का, इस व्हील लगी हुई कार्ट का पीछे की तरफ जाना ये क्या हो गया रिएक्शन। तो यहां भी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन है, लेकिन डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। इस लड़की के केस में भी ये आगे जब झुकेगी इस बैग को लेने के लिए तो वो हो जाएगा एक्शन, ठीक है, और इस लड़की की कार्ट का पीछे की तरफ जाना ये हो जाएगा रिएक्शन, क्या हो जाएगा रिएक्शन। तो यहां भी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन है। तो इतने सारे जो एग्जाम्पल आपने देखे बेटा, इन सब में एक्शन किसके बराबर आ रहा है, रिएक्शन के बराबर आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ एक्शन, यहीं पर लिख देता हूं, दैट इज फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये होता है, लेकिन डायरेक्शन में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, या फिर इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ एक्शन प्लस फोर्स ऑफ रिएक्शन, इसको इधर ले जाऊं, फोर्स ऑफ रिएक्शन, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात हुई, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करेंगे अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि ये क्या होता है, फिर समझेंगे। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इसको टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन को हम बेटा इनिशियल मोमेंटम भी कह देते हैं कई बार, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, और आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम है उसको हम फाइनल मोमेंटम भी कई बार कहते हैं, ठीक है। यानी कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो कॉलिजन के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज
मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम अभी समझेंगे बेटा चिंता मत कीजिए, बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, या फिर कहें इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है, या फिर कहें टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ भी कह सकते हैं भाई, जब इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है तो टोटल मोमेंटम हमेशा क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। यह आप ध्यान रखिए कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होता है। देखिए मोमेंटम के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम क्या बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्व का मतलब कि मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ये है इसका मतलब। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं आता, जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास है, मान लेते हैं इसका मास है एम ए, मास कितना है, ए बॉल है, तो बॉल ए है तो मास इसका एम ए मान लिया, और इस जिस स्पीड से ये जा रही है वो इनिशियल स्पीड है यू ए, ठीक है, और एक दूसरी बॉल है जिस बी, जिसका मास है एम बी और इसकी इनिशियल स्पीड है यू बी, ये बिफोर कॉलिजन पोजीशन है, बिफोर कॉलिजन टक्कर से पहले, जब इनमें टक्कर नहीं हुई है बेटा, बिफोर कॉलिजन ये पोजीशन है, ठीक है, बिफोर कॉलिजन ये पोजीशन है। मैं मान रहा हूं, मैं मान लेता हूं, यहां पर ये कंसीडर करके चलता हूं बेटा कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, ध्यान रखिए ये कंसीडर करके चल रहा हूं, मैं इस सिचुएशन को यहां कंसीडर कर रहा हूं कि बॉल ए की स्पीड ज्यादा है, बॉल बी की स्पीड कम है, ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद दोनों बॉल आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगी, यानी इंटरेक्ट करेंगी, यानी दोनों में कॉलिजन होगा, दोनों में क्या होगा, कॉलिजन होगा, क्योंकि बॉल ए की स्पीड ज्यादा है, बॉल बी की स्पीड कम है, तो बॉल ए बी से जाके टकराएगी, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये सिचुएशन हो जाएगी, ये बॉल ए और ये बॉल बी, ये दोनों जाके टकराएंगी, बॉल ए बी से जाके टकराएगी, ठीक है, बॉल ए का मास तो वही रहने वाला है टक्कर करने के समय, बॉल बी का भी मास वही रहने वाला है। अब क्या होगा, बॉल ए जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपको पता है कि ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो बॉल ए ने जो बी पर फोर्स लगाया वो एफ ए बी, और जैसे ही बॉल ए बी पर फोर्स लगाएगी तुरंत बॉल बी ए पर फोर्स लगाएगी एफ बी ए लगाएगी, यानी ये सिचुएशन कब की है, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, जब कॉलिजन होगी, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, जब दोनों में टक्कर होती है तो ये सिचुएशन होगी, जब दोनों में कॉलिजन होगी तो ये सिचुएशन होगी, होगी बिल्कुल, ये एक एक्शन हो गया तो ये क्या हो गया, रिएक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। अब टक्कर होने के बाद जब ये टक्कर इनकी हो जाएगी, ठीक है, तो टक्कर होने के बाद क्या होगा, दोनों की स्पीड बदल जाएगी, दोनों की स्पीड बदल जाएगी, देखिए दोनों के मास में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों का मास तो वही रहेगा जो पहले था, ठीक है, लेकिन दोनों की स्पीड बदल जाएगी। अब मान लेता हूं कि बॉल ए किस स्पीड से चले जा रही है टक्कर के बाद, आफ्टर कॉलिजन बॉल ए की स्पीड वी ए हो जाती है फाइनल वेलोसिटी, और बॉल बी की वेलोसिटी वी वी हो जाती है आफ्टर कॉलिजन, ये सिचुएशन है, आफ्टर कॉलिजन है ये सिचुएशन। तो तीन सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, बिफोर कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब यहां से हम इस सेकंड सिचुएशन को ले लें, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन वाली सिचुएशन को लेकर के चलें, और इस सिचुएशन से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर देंगे। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं,
प्रूफ देख रहे हैं, किसका प्रूफ देख रहे हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम लेकर के चले और इससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव कर पाएंगे। तो देखिए देखिए क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कॉलिजन यानी एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या हो रहा है, देखिए एट द टाइम ऑफ कॉलिजन ये वाली सिचुएशन है, बॉल ए बी पर फोर्स लगा रही है एफ ए बी, तो उतना ही फोर्स बॉल बी ए पर लगाएगी एफ बी ए, ठीक है। इमीडिएटली जैसे ही ए बी पर फोर्स लगाती है बी ए पर फोर्स लगाएगी, तो एफ ए बी बराबर एफ बी ए, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है तो नेगेटिव साइन भी आएगा, तो लिखा जा सकता है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम कॉलिजन के समय ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब F बराबर क्या होता है जरा रफ में देख लें, F बराबर क्या होता है जानते होंगे आप, F बराबर होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को आप लिखते हो V माइनस यू अपॉन टी, लिखते हो या नहीं। तो इस फॉर्मूले का मैं यूज कर लूं, F के इस फॉर्मूले का यूज कर लूं और एफ ए बी लिख देता हूं। देखिए एफ ए बी यानी बॉल ए के द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स, तो बॉल ए के द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स तो किसका मास लिया जाएगा, एफ का मतलब ये है, तो मास किसका लेंगे, जब बॉल ए बी पर लगा रहा है फोर्स तो मास ए का लेंगे, और वेलोसिटी किसका लेंगे, फाइनल वेलोसिटी ए का, और इनिशियल वेलोसिटी किसका लेंगे, यू ए का, और टाइम तो टी लेंगे ही लेंगे, टाइम तो हम कॉमन मान सकते हैं। तो देखिए ध्यान रखिए मैंने यहां पर जो लिखा है इस फॉर्मूले से लिखा है बेटा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, m की जगह तो m a लिखा क्योंकि बॉल a के द्वारा b पर फोर्स लग रहा है, और मैं फाइनल वेलोसिटी भी किसकी लिखी, बॉल a की लिखी, और इनिशियल वेलोसिटी बॉल a की लिखी, वैसे ही इसको बराबर लिखेंगे माइनस एफ बी ए, जब एफ बी ए लिखेंगे तो m की जगह क्या आएगा एम बी, और v की जगह क्या आएगा वी वी, माइनस यू की जगह क्या आएगा यू वी अपॉन टी। अब देखो जरा टी से टी कैंसिल हो गया, अब यहां से क्या आ गया एम ए इंटू वी ए माइनस यू ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम बी वी वी माइनस यू वी, ये आ गया, ठीक है ये आ गया। अब इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, एम ए वी ए, देखिए जो ए लिख रहा हूं ना मैं सब स्क्रिप्ट में हूं लिखा हूं बेटा, ये सब स्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है सब स्क्रिप्ट में। जब किसी सिंबल के कोई नीचे लिख रहा है, मान लीजिए ये कोई एक्स है, यहां पर जो लिखा हुआ शब्द है वो सब स्क्रिप्ट कहलाता है, और यहां पर लिखा हुआ सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, ये सब स्क्रिप्ट कहलाता है, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, तो लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो मैं अभी सब स्क्रिप्ट में लिख रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कीजिए, एम ए बी ए हो गया माइनस एम ए यू ए, ठीक है, बी को मैंने देखो यहां से थोड़ा सा घुमा दिया है, तो वी और यू में भी अंतर करना है, ध्यान रखना, माइनस एम बी और यहां क्या आ जाएगा वी वी, और ये माइनस एम बी जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एम बी और यू बी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूं मैं, इस माइनस एम ए यू ए को इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाता हूं, और ये जो क्वांटिटी है माइनस एम बी वी वी इसको इधर ले आता हूं, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा एम ए वी ए प्लस एम वी 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 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो एम ए यू ए प्लस एम वी यू वी, इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, जो यू वाला पोर्शन है एम ए यू ए राइट साइड को लेफ्ट में लिखूं, राइट साइड को मैं लेफ्ट में लिख लेता हूं, और लेफ्ट साइड को राइट में लिख देता हूं एम ए वी ए प्लस एम बी वी वी, ये लिख दिया। अब देखिए बेटा ये जरा क्या है, ये देख लीजिए, ये जो एम ए यू ए है, ये एम ए यू ए क्या है, ये एम ए यू ए ये मोमेंटम है, मोमेंटम मोमेंटम ऑफ ऑफ बॉल या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए बिफोर बिफोर कॉलिजन बिफोर कॉलिजन है, यानी प्लस ये एम वी यू वी क्या है, एम वी यू वी देखें तो ये क्या है मोमेंटम, ये भी मोमेंटम है किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट वी बिफोर बिफोर
कॉलिजन, कॉलिजन से पहले कैसे पता चल रहा है कि ये बिफोर कॉलिजन है? ये इनिशियल स्पीड से पता चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो बिफोर कॉलिजन थी ना, ठीक है, वैसे ही इक्वल की जगह इक्वल लिखो, ठीक है। और ये एम ए बी ए फाइनल वेलोसिटी आ गई, यानी ये आफ्टर कॉलिजन है। किसका मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन? ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम आ गया क्या एम ए बी ए, प्लस ये एम बी वी वी क्या आ गया, मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट वी आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है यहां तक। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन, ये ऑब्जेक्ट बी का है, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या हो गया, ये टोटल मोमेंटम हुआ, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन हुआ, यानी ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों का लिख दिया हमने, इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट ए और बी का है तो टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन हो गया है, आफ्टर कॉलिजन हो गया है, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था, यही तो होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही तो कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, दैट इज अब हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम विल ऑलवेज बी ए कॉन्स्टेंट, हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको इनिशियल मोमेंटम कह दो, इसको फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इस तरीके से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप देखिए इसको समझने के लिए, इसके एग्जांपल के लिए हम एक एक्टिविटी समझ लेते हैं इस एनसीईआरटी की, ये एक्टिविटी 9.5 है, जिसको आप घर पर करना भी है ये एक्टिविटी, ये आप एक्टिविटी कर सकते हो घर पर करके, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखिए एक्टिविटी 9.5 क्या है, टेक ए बिग रबर बैलून, एक बड़ा रबर बैलून लीजिए, घर पर अवेलेबल होगा, मार्केट नहीं जाना है, यदि अवेलेबल है तो ही करना है, ठीक है। टेक ए बिगर रबर बैलून, बिग रबर बैलून एंड इनफ्लेट इट फुली, और इसको पूरा फुला दीजिए, ये बिग रबर बैलून है, इसको पूरा फुला लीजिए, इसकी नेक को, टाई इट्स नेक, इसकी नेक को एक धागे से बांध दीजिए जिससे कि इसकी हवा बाहर ना जाए, ठीक है, यूजिंग ए थ्रेड, ऑल्सो यूजिंग एडहेसिव टैप, फिक्स ए स्ट्रॉ ऑन द सर्फेस ऑफ दिस बैलून, और ये स्ट्रॉ है बेटा जिससे आप जूस पीते हो ना, वो पाइप आता है वैसा एक पाइप ले लीजिए, और उस स्ट्रॉ को आप इसकी सरफेस पर एक एडहेसिव की हेल्प से चिपका दीजिए, यहां चिपका दीजिए, ठीक है। फिर एक धागा लीजिए, पास ए थ्रेड थ्रू द स्ट्रॉ एंड होल्ड वन एंड ऑफ द थ्रेड इन योर हैंड और फिक्स इट ऑन द वॉल। देखिए एक धागा लिया, धागे को इस स्ट्रॉ पाइप के अंदर से पास किया, तो धागे का एक सिरा इस दीवाल से क्लैंप कर दिया और दूसरा सिरा इसके अंदर से होते हुए इस दीवाल पर ले गए, ठीक है, इस तरीके से बांध दिया, क्लियर। आस्क योर फ्रेंड टू होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड और फिक्स इट ऑन ए वॉल, आप तो दोनों तरफ दीवाल पर बांध दीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिए। नाउ रिमूव द थ्रेड टाइड ऑन द नेक, अब ये जो गुब्बारा है ना, इसकी नेक पर जो थ्रेड आपने बांधा था उसको रिमूव कर दीजिए, खोल दीजिए, तो इस गुब्बारे से एयर बाहर जाएगी, किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, गुब्बारे से एयर लेफ्ट की तरफ जाएगी, जब ये गुब्बारे से एयर लेफ्ट की तरफ जाएगी तो गुब्बारा किस तरफ जाएगा बेटा, गुब्बारा राइट की तरफ मूव करेगा, गुब्बारा किस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा, है या नहीं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है स्ट्रॉ का, ठीक है, यदि गुब्बारे से हवा इस तरफ जा रही है तो इसका मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ऐसे ही तो बेटा ये रॉकेट जाते हैं, जो रॉकेट सैटेलाइट को लेकर के जाते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, आपने देखा होगा रॉकेट के निचले हिस्से में आग लगी रहती है, तो जितनी तेजी से आग लगेगी नीचे रॉकेट के, उतना ही तेजी से रॉकेट ऊपर जाएगा, तो रॉकेट में जो आग लग रही है नीचे की तरफ, जो प्रेशर से आग लग रही है वो तो हो गया एक्शन, और उसका रिएक्शन क्या हो गया, रॉकेट का ऊपर की तरफ जाना, तो वैसे ही ये हो गया एक्शन इससे गुब्बारे से हवा का निकलना, और इसका रिएक्शन क्या हो गया, गुब्बारे का इधर मूव करना। तो यहां पर टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, जितना मोमेंटम पहले था ना इससे गुब्बारे की गर्दन को खोलने से पहले, उतना ही गुब्बारे को खोलने के बाद होगा,
तो यहाँ भी टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप घर पर आराम से कर सकते हैं, तो इसे करके देखिएगा। ये दूसरी एक्टिविटी और दे रखी है, देखो ये दूसरी एक्टिविटी और है, ये हालांकि आप स्कूल में ही कर पाओगे। देखिए क्या है, टेक ए टेस्ट ट्यूब ऑफ गुड क्वालिटी, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। टेस्ट ट्यूब मतलब कांच की एक ऐसी नली, एक तरफ से बंद है एक तरफ से खुली हुई है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है बेटा, गुड क्वालिटी का ले लेना, लैब में रहता है, केमिस्ट्री लैब में। एंड पुट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, और क्या इसमें एक पानी भर दीजिए, इसमें क्या भर दीजिए, पानी, थोड़ा सा पानी भर दीजिए। प्लेस ए स्टॉप कॉर्क एट द माउथ ऑफ इट, और यहां पर एक स्टॉप कॉर्क, रबर का कॉर्क लगा करके इसको बंद कर दीजिए। अब एक बर्नर लीजिए, अब एक इस टेस्ट ट्यूब को पहले एक धागे से ऐसे लटका दीजिए, टेस्ट ट्यूब को इस तरफ से बांध के, इस तरफ से बांध के ऐसे स्टैंड से एक लटका दिया। अब फिर नीचे हमने एक बर्नर लिया, बर्नर को जलाया। ठीक है, बर्नर को जैसे ही जलाया तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी है उसका क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, वेपोराइज होगा। ठीक है, जब वो वेपोराइज होगा तो जो कॉर्क लगा हुआ है ये बाहर की तरफ चला जाएगा, कॉर्क जो है बाहर की तरफ चला जाएगा प्रेशर से। तो देखना आप, जब ये कॉर्क इधर जाता है तो टेस्ट ट्यूब किधर जाएगी, जब ये कॉर्क इधर जा रहा है तो टेस्ट ट्यूब इस तरफ मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत अच्छे से हो रहा है। जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से ये टेस्ट ट्यूब पीछे की तरफ जाती है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ध्यान करो, रिकॉयल वेलोसिटी। क्या कहते हैं, रिकॉयल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आज मैंने आपसे बात की, किस किस के बारे में बात की, न्यूटन थर्ड लॉ की बात की, उससे पहले इम्पल्स की मैंने बेटा बात की थी, इम्पल्स क्या होता है एग्जाम्पल के जरिए समझा हमने, और फिर न्यूटन थर्ड लॉ के भी हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी हमने डिस्कस किया विद एग्जाम्पल्स। और जो एक्टिविटी मैंने बताई है उसको आप घर पर करके देखिएगा, बैलून वाली जो एक्टिविटी है वैसा होता है या नहीं, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। अब इससे आगे लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।